सो वॉट इज अप गाइज, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट अपेक्स बैडमिंटन रैकेट्स इन 2021। सो माय नेम इज लोकेश एंड यू आर वाचिंग शटरस्टॉक। तो चलिए दोस्तों जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आपका कोई भी सवाल हो बैडमिंटन से रिलेटेड तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं @shuttlestroke इस ID पे। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पे मुझे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, वहाँ पे मैं ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। तो बढ़ते हमारे 5th नंबर की रैकेट पर, जो है एपेक्स की तरफ से आने वाली एपेक्स ड्यूअल पावर एंड स्पीड बैडमिंटन रैकेट। अगर हम रैकेट की मटेरियल की बात करें तो हाई मॉड्यूलर ग्रेफाइट के साथ ये रैकेट बनाई जाती है। वेट की अगर हम बात करें तो 85 ग्राम्स के आसपास इस रैकेट का वेट आपको देखने के लिए मिल जाता है। G4 की ग्रिप साइज के साथ आपको ये रैकेट मिलती है। फ्लेक्स की बात करें तो मीडियम फ्लेक्स के साथ आपको ये रैकेट देखने के लिए मिल जाती है। इससे आपको एक डिसेंट सा कंट्रोल मिल जाता है। बैलेंस की अगर हम बात करें तो इवन बैलेंस ये रैकेट आती है, जिसपे आपको एक डिसेंट सा अगेन कंट्रोल मिलता है। अटैक एंड डिफेंस दोनों कैटेगरी के लिए रैकेट बेस्ट है। अगर हम मैक्स स्ट्रिंग टेंशन की बात करें तो आप इस पर मैक्सिमम स्ट्रिंग टेंशन 38 LBS तक लगवा सकते हैं। इसकी प्राइस आपको 2000 के आसपास देखने के लिए मिल जाती है। तो इसका बाइंग लिंक में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको इस रैकेट का फुल रिव्यू देखना होगा तो मैंने वो भी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है। उसका लिंक आपको यहाँ ऊपर कहीं भी आई बटन में देखने के लिए मिल जाएगा। आप वहां से इस रैकेट का फुल रिव्यू देख सकते हैं। तो बढ़ते हमारे 4th नंबर की रैकेट पर, जो है एपेक्स की तरफ से आने वाली एपेक्स फिनाबिट 232 बैडमिंटन रैकेट। तो जान लेते हैं इस रैकेट के स्पेसिफिकेशन। ग्रिप साइज की अगर हम बात करें तो G4 की ग्रिप साइज आपको इस रैकेट पर मिलती है। वेट की अगर हम बात करें तो 85 से लेकर 90 ग्राम्स के आसपास इस रैकेट का वेट आपको देखने के लिए मिल जाता है। आइसोमेट्रिक हेडशेप के साथ आपको रैकेट मिलती है, उससे आपको बहुत ही अच्छा परफेक्शन आपके स्ट्रोक्स पर मिलता है। मटेरियल की अगर हम बात करें तो ग्राफाइट के साथ ये रैकेट बनाई जाती है। मैक्स स्ट्रिंग टेंशन की बात करें तो 35 LBS तक आप इस रैकेट पर मैक्सिमम स्ट्रिंग टेंशन लगवा सकते हैं। फ्लेक्स की बात करें तो मीडियम फ्लेक्स के साथ आपको ये रैकेट मिलती है। बैलेंस की बात करो तो ये रैकेट आपको हेडलाइट कैटेगरी में देखने के लिए मिल जाती है, जो डिफेंसर्स के लिए बहुत ही बढ़िया है। अगर आप डबल्स के लिए रैकेट ढूंढ रहे हैं अंडर 2000, तो ये रैकेट आपके लिए बेस्ट हो सकती है। इससे आपकी डिफेंसर्स मतलब डिफेंसिव गेम बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो प्राइस की बात करो तो ये रैकेट आपको 1700 रुपीज के आसपास देखने के लिए मिल जाती है। तो इस रैकेट का बाइंग लिंक में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको इस रैकेट का भी फुल डिटेल रिव्यू देखना होगा तो अपने चैनल पर इस रैकेट का फुल डिटेल रिव्यू अपलोड किया गया है। आपको वो वीडियो आई बटन पे मिल जाएगा। तो हमारी 3rd नंबर की रैकेट है एपेक्स की तरफ से आने वाली एपेक्स फेदरवेट 75 बैडमिंटन रैकेट। तो जान लेते हैं इस रैकेट का स्पेसिफिकेशन। अगर हम वेट की बात करें तो 75 ग्राम्स के आसपास इस रैकेट का वेट आ जाता है, जो बहुत ही लाइट वेट बैडमिंटन रैकेट है। उससे आपको ये रैकेट आपको फास्ट मूवमेंट देती है, जल्दी से आपकी रैकेट हिलती है। उससे आपके डिफेंसेस बहुत ही अच्छे हो जाते हैं, आपको बहुत ही अच्छा कंट्रोल मिलता है। ग्रिप साइज की बात करें तो G4 की ग्रिप साइज आपको मिलती है। हेडशेप की बात करें तो आइसोमेट्रिक हेडशेप के साथ आपको ये रैकेट देखने के लिए मिल जाती है। बैलेंस की अगर हम बात करें तो हेडवी के साथ ये रैकेट आपको मिलती है, उससे आपको अच्छा अटैकिंग भी मिल जाती है। मतलब ये रैकेट आप डिफेंसेस एंड अटैकिंग दोनों के लिए अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। अच्छे ओवरऑल गेम प्ले के लिए ये रैकेट बेस्ट है। अगर आप ऑलराउंडर रैकेट देख रहे हैं और आपको लाइट वेट रैकेट चाहिए तो ये रैकेट आपके लिए बेस्ट हो सकती है। अगर हम इसके फ्लेक्स की बात करें तो मीडियम फ्लेक्स के साथ आपको ये रैकेट देखने के लिए मिल जाती है। प्राइस की अगर हम बात करें तो 4200 रुपीज के आसपास इस रैकेट का प्राइस आपको मिलता है। इस रैकेट की बाइंग लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां से इस रैकेट को परचेस कर सकते हैं। तो हमारी 2nd नंबर की रैकेट है एपेक्स की तरफ से आने वाली एपेक्स जेड जिगलर बैडमिंटन रैकेट, जो एक रिवॉल्यूशनरी रैकेट है। मेरी ऑल टाइम फेवरेट बैडमिंटन रैकेट है एंड मैं इस रैकेट से पिछले 2-2.5 साल से खेल रहा हूँ एंड मेरा एक्सपीरियंस इस रैकेट से बहुत ही अमेजिंग है। तो इस रैकेट का भी आपको डिटेल रिव्यू देखना होगा तो इसकी वीडियो भी अपने चैनल पर अपलोड है। आपको आई बटन में ऊपर कहीं भी इसका लिंक मिल जाएगा। तो जान लेते हैं इस रैकेट के स्पेसिफिकेशन। आपको इस रैकेट की एक बात बता दूं कि एपेक्स की तरफ से ये मोस्ट फेमस बैडमिंटन रैकेट है एंड मोस्ट वैल्यू प्रोवाइडिंग बैडमिंटन रैकेट है। तो ये बहुत ही बेस्ट है। अगर आपको 2000 के आसपास कोई भी रैकेट लेनी है तो मैं हाईली आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एपेक्स जेड जिगलर के साथ ही जाइए। उससे आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। इस रैकेट के स्पेसिफिकेशन। मटेरियल की अगर हम बात करें तो ग्राफाइट के साथ ये रैकेट बनाई जाती है। G4 की ग्रिप साथ आपको इस रैकेट पर मिलती है। फ्लेक्स की बात करें तो मीडियम फ्लेक्स के साथ आपको रैकेट मिलती है, उससे आपको डिसेंट सा कंट्रोल आपको इस रैकेट पर मिल जाता है। 85 ग्राम्स के वेट कैटेगरी में आपको रैकेट मिलती है। हेडशेप की अगर हम बात करें तो आइसोमेट्रिक हेडशेप के साथ आपको ये रैकेट देखने के लिए मिल जाती है। अगर हम इस रैकेट के हेडशेप को
दूसरे रैकेट से कंपेयर करेंगे तो इसका जो हेड शेप है वो थोड़ा सा साइज में छोटा है इन कंपैरिजन टू अदर रैकेट। अगर हम इस रैकेट की प्राइस की बात करें तो 2200 रुपीज के आसपास इस रैकेट का प्राइस आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो इस रैकेट की बाइंग लिंक में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो हमारी फर्स्ट नंबर की रैकेट है एपेक्स की तरफ से आने वाली एपेक्स स्टारडम प्रो 3 बैडमिंटन रैकेट, जो बहुत ही बेस्ट बैडमिंटन रैकेट है। तो जान लेते हैं इस रैकेट के स्पेसिफिकेशन। मटेरियल की अगर हम बात करें तो HM ग्राफाइट के साथ ये रैकेट बनाई जाती है। आपको इस रैकेट पर स्लिम शाफ्ट मिलता है, उससे आपको जो रिपल्शन पावर है वो बहुत ही बढ़ जाता है। ये रैकेट आपके शॉट्स में ज्यादा पावर ऐड करती है, उससे आपके जो अटैक्स होते हैं वो बहुत ही स्टीप जाते हैं, बहुत ही डीपली आपके अटैक जाते हैं एंड आपको बहुत ही पावरफुल स्ट्रोक्स खेलने के लिए ये रैकेट मदद करती है। वेट की अगर हम बात करें तो 84 ग्राम्स के आसपास इस रैकेट का वेट आपको देखने के लिए मिल जाता है। ये रैकेट आपको इवन बैलेंस मिलेगी, मतलब इसका हेड एंड ग्रिप एक इवनली बैलेंस तरीके से आपको मिल जाते हैं, उससे आपको अच्छा कंट्रोल मिलता है आपके रैकेट पर। हेडशेप की अगर हम बात करें तो आइसोमेट्रिक हेडशेप के साथ आपको ये रैकेट देखने के लिए मिल जाती है। अगर हम इस रैकेट की प्राइस की बात करें तो 6200 रुपीज के आसपास इस रैकेट का प्राइस आपको मिल जाता है। तो इस रैकेट की बाइंग लिंक में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और दबा दीजिए बेल आइकन को, उससे आपको नए आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। अगर आप एक अच्छा बैडमिंटन शटल ढूंढ रहे हैं तो आप राइट वाली वीडियो जरूर देखिए, आपके लिए वो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आपको बेस्ट शू अंडर 3000 देखना है तो आप लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देखिए, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।